नमस्ते, मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप मेरे यूट्यूब चैनल एमोंटन जीके देख रहे हैं। सभी दिव्यांग साथियों के लिए अच्छी खबर लेकर आया हूँ दिव्यांगता प्रमाण पत्र जाँच के विषय में। जैसे कि आप सबको पता है कि बीपीएससी सबसे पहले 11th 12th लोगों का और 9th 10th वाले लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा रही है, तो वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में दिव्यांगता जाँच का भी था, 1 तारीख से शुरू होने वाला था, लेकिन बहुत ऐसे जिले हैं जहां नहीं हो पा रहे, 1 तारीख से शुरू नहीं हो पाया है। आज से मतलब 4 तारीख से शुरू होगा, किसी में 5 तारीख को, किसी में 7 तारीख को, किसी को 8 तारीख को दिव्यांगता जो है सो जांच का शुरू होने वाला है। काफ़ी दिव्यांग की संख्या कम है, ज़्यादा दिव्यांगता की संख्या नहीं है, इसी को लेकर सभी जिलों में 1 दिन या 2 दिन रखा गया है जांच के लिए। और पता लगा लीजिएगा कि आपके ज़िले में किस दिन है। मेरे ज़िले में तो 7 तारीख को है 10 बजे से, और मेरे ज़िले में मात्र 20 की 25 दिव्यांग ही हैं, तो इसलिए 1 दिन ही रखा गया है और जांच किया जा रहा है। अब ये बात निकल कर यह आ रही है कि मुझे पता कैसे चल गया कि मेरे ज़िले में कब है, तो यह चीज़ पता करने के लिए आपको सदर हॉस्पिटल में जाना होगा, वहाँ नोटिस बोर्ड देखना होगा। अगर नोटिस बोर्ड में नहीं है तो आप जो है सो सीएमओ साहब से बात कीजिए, उनको पता है। अगर उनको भी पता नहीं होगा तो अपने जिला के जो डीओ होते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी, उनसे बात कीजिए, वो बता देंगे। अगर उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है तो सदर हॉस्पिटल में जाइए, कन्फर्म है कि पता चल ही जाएगा। आप मुद्दे की बात करते हैं, वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था। हम आपको जैसे वादा किए थे कि आप रुक जाइए, सोमवार को मैं शाम तक वीडियो दूंगा, तो मैं दूंगा। आज दिन भर इसी काम में मैं पड़ा था कि कैसे होगा दिव्यांग लोगों का, क्या होगा, और ख़ास करके कि इसलिए भी था कि जिस तरह 9th 10th 11th 12th लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हो रहा है उसके लिए एक अलग वीडियो बना दिया, उसको देख लीजिए। 1 से 5 वाला का भी आप बहुत मदद मिलेगा आपको, उसी तरह आप सब लोगों का होगा, वो वीडियो देख लीजिए, बगल में देखिए यहाँ पर थंबनेल है, इसको देख लीजिएगा। इस वीडियो में 1 से 5 वाला का भी जांच होगा तो इसी प्रक्रिया से गुजरना होगा, 9th 10th वाला भी इसी प्रक्रिया से गुजर रहा है, और 11th 12th भी यही प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल था कि PMCH NMCH DMCH SKCM क्या क्या CM से बनवाया है, कैसे होगा सर, UDID कार्ड डाले हैं क्या होगा सर, CMO वाला डाल दिया है क्या होगा, कैसे होगा सर, दोबारा जांच होगा कि नहीं होगा, ये भी सवाल आपका था, आप लोग पूछ रहे थे व्हाट्सएप से, जीमेल से, बहुत तरीके से पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे थे। उसके बाद एक विद्यार्थी पूछे थे सर प्रमाण पत्र का जांच होगा कि दिव्यांगता का जांच होगा। एक आदमी बोल रहा था कि भौतिक जांच होगा कि केवल देख कर छोड़ दिया जाएगा। बहुत तरीके से सवाल, बहुत लोगों का बहुत मन में जो भी सवाल आते थे हमसे पूछते थे, हम सभी को यही जवाब देते कि आप रुकिए, जब तक मैं ऑथेंटिक और अपने आँख से नहीं देख लेता हूँ, समझ नहीं लेता हूँ, तब तक आप लोगों को नहीं बता पाऊँगा। बहुत लोग हमसे पास फ़ोन भी किए, और बहुत किसी के पास मेरा नंबर नहीं है, तो नंबर मेरा नहीं है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, एक ऐसा वीडियो मैं बना दिया हूँ जिसका लोगो यहाँ देख सकते हैं, उसमें मेरा नंबर दिया होगा, उस वीडियो को देख लीजिए, और वहाँ से नंबर कैसे लेना है, वहाँ से नंबर लेकर हमसे बात फ़ोन करके बात कर सकते हैं। अब आते हैं कि दिव्यांग जनों का बहुत बड़ी टेंशन है कि सर हम PMCH से बनवा लिए हैं, NMCH से बनवा लिए हैं, तो क्या मेरा मेडिकल फिर से होगा, फिर जांचा जाएगा, फिर डॉक्टर टीम बैठेगी जांचेगी। तो आपको बता दूँ, देखिए सबसे पहले यह बात समझ लीजिए, सभी सवालों का जवाब सिर्फ मैं दूंगा, एक ही बात बोलूँगा, आपका सभी सवालों का जवाब उसी में छुपा है। देखिए जैसे मैं गया हूँ, पूरी प्रक्रिया बता रहा हूँ, जैसे मैं गया हूँ CMO साहब के दफ्तर में, वहाँ बातचीत हुआ है, और वहीं जैसे मैं गया हूँ तो इसी विषय में वो लोग भी डिस्कस कर रहा था, तो मैं मुझे भी बैठा लिया गया है और बात हुआ है, हम जो भी मेरे मन में आप लोग जो सवाल भेजे थे वो पूछ रहे थे, वो लोग बता रहा था। तो सर से जैसे मेरा बातचीत हुआ है तो बोले हैं कि देखिए आपका लेटर तैयार हो गया है, और 7 तारीख को आप लोगों का जांच बुलाया गया, क्योंकि मोतिहारी ज़िला में मात्र 20 से 24 की 25 ऐसे दिव्यांग हैं जो जांच करवाना चाहते हैं, BPSC की तरफ से आया हुआ है, उन्हें लोगों का जांच होगा। तो 9th से 12th के लिए अभी 1 से 5 वाला का नहीं जांच हो रहा। हाँ एक बात और है, बहुत ऐसे दिव्यांग पूछ रहे थे कि सर क्या
पहला से पांचवी कक्षा का जो दिव्यांग उन लोगों का भी होगा, तो उन लोगों को नहीं होगा, लेकिन प्रक्रिया यही है, प्रक्रिया जान लीजिए, आज नहीं तो कल कराना ही होगा, तो प्रक्रिया जाने हुए रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। पहले सतर्क हो जाइए, क्या क्या सुविधा है, क्या क्या असुविधा, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब बात जान लीजिए। लेकिन 1 से 5 वाला का अभी नहीं हो रहा है, लेकिन प्रक्रिया यही है, मैं आपको प्रक्रिया समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम उनसे बात किएंगे, सर मान लीजिए कि जो अपने ज़िले में उनका घर है और दिव्यांगता सर्टिफिकेट PMCA से बनवाए हैं, चाहे NMCA से बनवा लिए हैं, चाहे DMCA, चाहे SKC में कहीं और से बनवा, किसी और जगह से बनवा लिए हैं, हॉस्पिटल एंड कॉलेज से या किसी और से, तो उनका कैसे होगा? तो सर बोले कि देखिए, हम लोग का 4-5 डॉक्टर का ग्रुप है, बैठेंगे, एक नेत्र विशेषज्ञ हैं, एक ऑर्थो विशेषज्ञ हैं और एक जनरल फिजिशियन थे, ठीक, 3-4 आदमी और उनके साथ 2-3 पोम्पियो थे, वो भी लोग बैठेंगे और जांच होगा, वो लोग बैठेंगे। अगर आप जो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन करते समय डाले हैं, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट्स डाले हैं, मान लीजिए कि ऑनलाइन करते समय आप NMCH का डाल दिए हैं, तो उसी को लेकर जाइएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि CMO का डाले हैं, तो उसी को लेकर जाइएगा, UDI डाले हैं, तो उसी को लेकर जाइएगा, हाथ से लिखा हुआ डाले हैं दिव्यांगता सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र, तो उसी को लेकर जाइएगा। हाँ, अगर PMCH का भी है या किसी अदर जगह का भी है और डिस्ट्रिक्ट का भी CMO वाला भी है, तो दोनों लेकर जाइएगा। बात समझ में आ गया कि अदर जगह से बना है उस सर्टिफिकेट को लेकर जाइएगा, अगर CMO की तरफ से अपने गृह जिला से बना है तो उसको भी लेकर दोनों साथ लेकर जाना है, ओरिजिनल लेकर जाना है और एक एक दो दो कॉपी लेकर जाना है, ठीक, समझ गए इतना बात? आ गया ये। जब लेकर जाइएगा तो वहाँ सबसे पहले आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा, वो लोग डॉक्यूमेंट्स देख लेगा कहाँ का बना है। अगर PMCH का बना है, यानी गृह जिला के बाहरी जगह का बना है, कहीं से भी बना हो, दिल्ली, बनारस, इंडिया, कहीं से भी बना हो, अगर जैसे मान लीजिए कि गोपालगंज से आप हैं, गोपालगंज से दिव्यांगता सर्टिफिकेट बना है और एक दिव्यांग है सिवान से, उनका PMCH से बना है, तो PMCH से सर्टिफिकेट बना है तो आपको डॉक्टर सर्टिफिकेट देखेगा कि ये सर्टिफिकेट जाली है या फेक है या डुप्लीकेट है। अगर और उसमें जो चीज़ लिखा है कि आँख से दिव्यांग है, पैर से दिव्यांग है, जो चीज़ से दिव्यांग है वो चीज़ आपको दिखाना होगा वहाँ। आँख से है तो आँख कहाँ है, दिखाइए आँख, लोग देख लेगा, बस लिख देगा कि हाँ यह सर्टिफाइड है, यह यस ये दिव्यांग है। अगर गृह जिला का है, जिस जिला में आपका घर है उसी जिला के CMO की तरफ से जारी हुआ है, तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। और क्या चीज़ है बाबू, तो हाथ से ऐसा हाथ दिखाओ, बस ठीक है, जाओ, हो गया तुम्हारा। क्यों अब आपके मन में आया कि सर कहीं नो कर दिया तो क्या होगा, बोलेगा नहीं तुम दिव्यांग नहीं है तो क्या होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? क्योंकि जो सर्टिफिकेट डॉक्टर एक बार बना चुका, उस सर्टिफिकेट को काटना का किसी के पास अधिकार नहीं है। हाँ, हो सकता है कि परसेंट में 5% ऊपर या 5% नीचे हो सकता है, लेकिन वो सर्टिफिकेट जो है सो बेकार नहीं होगा, उसको अनवैलिड नहीं माना जाएगा, वैलिड ही माना जाएगा। चाहे कोई भी डॉक्टर चेक करे, एक बार दिव्यांगता सर्टिफिकेट आपका बन गया है, इश्यू हो गया है, तो वह हो ही गया है, आप दिव्यांग है, आपका नौकरी लगेगा। सर लोग जैसे हमसे बोला है कि 20-25 आदमी है जो भी दिव्यांग है, हम लोग नहीं चाहेंगे कि छांटना, चाहे परसेंटेज कम कर देंगे या ज़्यादा कर देंगे, नहीं, जो है हम लोग देख लेंगे, जांच लेंगे, अगर तो 5% इधर उधर भी है तो हम लोग को देखिए, ऊपर से ही ऑर्डर है कि प्रतिशत से नहीं लेना देना है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो सर्टिफिकेट आप अपलोड किए हैं या आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो सही है या नहीं है, उसमें जो विवरण लिखा हुआ है दिव्यांगता क्षेत्र के वो सही में आपके शरीर पर है या नहीं है। बस मान लीजिए कि किसी का 40 है, 40 वाला का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, सोच लीजिएगा, इसलिए मैं 40 पर उदाहरण पर लेकर समझा रहा हूँ। जैसे आपका 40 वाला है, आँख से है, तो आप सर्टिफिकेट आगे कीजिएगा, आपका देख लीजिएगा कि हाँ ये CMO से जारी हुआ है, वो मेरे ही ऑफिस से जारी हुआ है, तो यस सर आप भी के ऑफिस से जारी हुआ है, ठीक है, डायरी निकालो जी इनका,
डायरी में देख लीजिएगा, हाँ ठीक है आपका सही है, कौन सा आँख है बाया है दिखाइए, दूर से ही देखना, ज़्यादा उतना चेकअप नहीं होता है, दो चार डॉक्टर जो आप सोच रहे हैं वो भौकाल नहीं करना है, नहीं हाँ क्या है आँख वाला, ठीक है लो है जा हो गया तुम्हारा, जा हो गया बस, हाथी घोड़ा बवाल कुछ नहीं है, कुछ झमेला नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता ही नहीं है, बहुत ईजी नॉर्मल है बहुत, तो समझ गए होंगे। और दूसरे जिला वाला भी टेंशन नहीं लेंगे, गृह जिला वाला भी टेंशन नहीं लेंगे, पीएमसीएच वाला भी टेंशन नहीं लेंगे, समझिए कि हंसते खेलते आपका हो जाएगा, कोई जांचना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, बस उन लोगों को तो फेल नहीं कराना है, उन लोग का ऑर्डर ही है कि हम बस देख लेना है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं बस उसी को चेक करना है कि वो ओरिजिनल है या नहीं है, ठीक है ना। हाँ अब मान लीजिए आपका छाटा या कब, यह भी पूछेंगे सर, मान लीजिए कि कब छाटना, सब तो इस तरह का सब पास हो जाएगा, सबका नौकरी हो जाएगा, तो बोले नहीं ऐसा नहीं है कि कोई कोई दिव्यांग ऐसा है कि मान लीजिए कि उनका 20% है ठीक, और वो 40 बनवा लिए हैं, तो हम लोग 20% कैसे मार्जिन खा जाएंगे, 5% हम लोग दे सकते हैं, मार्जिन कर सकते हैं, तो इसीलिए जो 20% है सही में या जो 30% है सही में वो नहीं जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और वह जांच में नहीं जाएंगे, नहीं तो उनको बुरा पड़ सकता है ठीक है। हाँ जिनका 35 है सही में और थोड़ा ऊपर नीचे करके 40 बनवा लिए वो जा सकते हैं, उनके कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर लोग भी बोल रहे हैं कि हम बच्चे के भविष्य नहीं खिलवाड़ कर सकते हैं, सही है ठीक है, ऐसा है ऐसा बात निकल कर आए, ऐसा ही बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, यह चीज 1 से 5 वाला भी लागू होगा, 9th 10th वाला भी, 11th 12th वाला भी, फिर भी कोई बात है कन्फ्यूजन है कॉमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जय हिंद जय भारत जय दिव्यांग।